हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? तो जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए नए नए प्रोडक्ट और नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं। उसी के चलते हुए हम आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। इसके पहले हम एक जो प्रोडक्ट लेके आए थे वो था वॉल चेसर था, जो दीवार के अंदर, कॉन्क्रीट के अंदर और वायरिंग वालों के लिए और प्लम्बर काम के लिए पूरा एक मशीन था इनको कंपनी का। और उसके बाद का और एक मशीन है हमारे पास इनको कंपनी का ही, जो 2800 वॉट का पूरा ये मशीन है। और ये मशीन का नाम है पावर कटर। बहुत ही हैवी क्वालिटी का इंडस्ट्रियल मशीन है ये, जिससे आप कंक्रीट, आइसपाल रोड और घर की दीवार या इंडस्ट्रियल की कोई भी दीवार होगी या कोई आपका स्लैब होगा, हर चीज को आप इससे कर पाएंगे। मार्बल के अंदर भी आप उसको अंदर कट कर सकते हैं। 12 kg का इसका पूरा वेट है। तो बॉक्स के अंदर से हमने पूरे मशीन को निकाल दिया है। तो अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। तो बॉक्स के अंदर से सबसे पहले हमारे पास आता है इसका मैन्युअल। मैन्युअल के अंदर सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है हमारा पावर कटर, जो कि बहुत ही हैवी क्वालिटी का पावर कटर है। ब्लेड इसमें लगाया हुआ नहीं है, ब्लेड लगा के मैं आपको कंप्लीट इसका बताऊंगा। पानी की लाइन के लिए यहाँ पे वाल वाला एक पूरा पंप का सिस्टम दिया हुआ है। पंप भी इसके साथ ही आ रहा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका पाइप है और इसके साथ एक ब्लेड है। 355 mm की ये ब्लेड है, 14 inch है इसके अंदर। ये आप इंच के अंदर आप 12 inch के भी ब्लेड लगा सकते हैं। और ये जो कवर है इसकी कैपेसिटी 16 inch तक की ब्लेड तक की है। तो इसके अंदर आप तकरीबन 4 inch से लेकर 10 inch तक की घीसी आराम से गिरा सकते हैं। और ऊंडाई तक का आपका जहां भी कट लगाएंगे आपका कट लगेगा, मैक्सिमम आपका 10 inch तक का इसके अंदर आपका कट लग जाएगा। बहुत ही हैवी क्वालिटी की ये ब्लेड है। ब्लेड के नीचे ही लिखा हुआ है कॉन्क्रीट, स्टोन, एस्पाल और बड़े बड़े जो ग्रेनाइट मार्बल होते हैं वो सारी चीज के अंदर ये कटिंग करेगा। और ये डायमंड डिस्क कटर है जो इसके अंदर लगेगी, मैं आपको लगा के भी कंप्लीट ये बता दूंगा। मैं इसको अभी साइड पर रखते हैं। ये हमारा मशीन है, पाइप है इसके अंदर जिसके आपका पानी का सर्कुलेट होगा और कटिंग के टाइम पे आपका डिस्क खराब नहीं होगा। और ये इसकी प्लेट है, प्लेट यहाँ पर इसकी फिटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आप सरफेस के ऊपर कभी कोई चीज कट करना होगा तो वो आप कट कर पाएंगे एंगल लेने के लिए। ये इसका टूल है जिसकी वजह से आप खोल के इसके अंदर ब्लेड लगाएंगे, मैं आपको ब्लेड लगा के बता दूंगा। और ये हमारा वाटर पंप है, एक बार वाटर पंप को भी मैं आपको खोल के बता दूं। बस वहीं रखिए, मैं जूम कर लूं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का वाटर पंप है। यहाँ पे पाइप लग जाएगी इनलेट और यहाँ का इसका आउटलेट यहाँ पर आप इसमें दे देंगे, अटैच कर देंगे। यहाँ पर भी वायर वाल दिया हुआ है और वायर भी बहुत लंबा है। एडेप्टर के आगे इसकी स्विच दी हुई है, यहाँ से आप इसको बंद चालू कर सकते हैं। बहुत ही सेफ स्विच है ये। और इसका जो एक्स्ट्रा की एसेसरीज के अंदर वैक्यूम के लिए इसके अंदर दिया हुआ है, रबर का दिया हुआ है, जिससे आप इसके अंदर का अगर ड्राई जगह पे अगर आपको काटना है तो वैक्यूम के थ्रू आप इसको सक्शन भी कर सकते हैं। कार्बन है। और इसका ऊपर का कवर और इसका जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है उसको खोलने के लिए एक छोटा सा एलएनजी पाना भी दिया हुआ है। तो चलिए अब हम जो मशीन है उसका थोड़ा डिटेल ले लेते हैं, मशीन की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनको कंपनी का ये पावर कटर है। इसका जो वायर है बहुत ही हैवी क्वालिटी का वायर है, बहुत ही मोटा है। मुझे तो पहले ऐसा लगा कि मशीन 3 phase है, मगर जब वायर को मैंने यहाँ का आगे का इसका डट्टा देखा तब पता चला है कि सिंगल फेस का मशीन है। मगर इसकी वायर की क्वालिटी बहुत हार्ड है और बहुत ही लंबा वायर है। ये वायर क्या होता है कि अगर वायर के ऊपर आप चढ़ भी जाएंगे, आप अगर कोई चीज काट रहे हैं, कोई पत्थर वगैरह आप इसके ऊपर गिर भी गया तो भी ये वायर खराब नहीं होगा। और यहाँ पर ये पावर सेफ्टी के साथ आता है, सर्किट ब्रेकर आता है इसमें। यहाँ पे शुरू करने के लिए आपको इसको पुश करना पड़ेगा और अगर ये आपका ट्रिप हो जाएगा ये जो कटआउट है तो आपको वापस से रेड येलो बटन से आपको इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। वायर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लंबा वायर है, 3 meter का वायर है ये। और ये रहा हमारा पावर कटर, 12 kg का इसका वेट है पूरा। यहाँ पर व्हील दिए हुए है जिससे ये एक सही एंगल पे ये चलेगा पूरा पावर कटर। और यहाँ पर इसका दिया हुआ है इनको का ब्रांडिंग, 240 watt। और ब्लेड का डायमीटर है 355 max है इसका,
6 mm की मोटाई है ब्लेड की, 2800 वॉट का इसका मोटर है और इसकी आरपीएम है 4800 आरपीएम का ये पूरा मशीन है, 4800 आरपीएम पे ये घूमेगा। यहाँ पर इसका आर्मेचर है और आर्मेचर से यहाँ पर इसका गेयरबॉक्स का पूरा अटैचमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका पावर यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये लॉक दिया हुआ है। जैसे हम ग्राइंडर वगैरह के अंदर पीछे से लॉक दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से ग्राइंडर लॉक हो जाता है और हम ब्लेड फिट कर पाते हैं, वैसे यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकर के अंदर मेंशन भी किया हुआ है कि पुट दिस ऑफ। तो अब हम इसको खोल रहे हैं, पलटा दे, इसकी जो ब्लेड है उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ब्लेड मशीन के अंदर ही आती है। अगर ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो आप किंग टूल सूरत का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पर उसका नंबर, किंग टूल सूरत का नंबर हमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारा भी जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और पूरा एड्रेस जो होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कोई व्यूअर हमें कॉल करता है और हमें, हम कॉल का जवाब नहीं दे पाते तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम सारे व्यूअर्स को धीरे धीरे कॉल करके, कॉन्टेक्ट करके उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ा डिले हो जाता है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। डिश देख पा रहे हैं, बहुत ही हेवी क्वालिटी का डायमंड कटिंग वाला डिश है। इसके इसके जो आटे होते हैं वो उल्टे आटे होते हैं, जैसे हमारे ग्राइंडर में होता है, उल्टी तरफ ये फिट होता है। एक प्लेट निकल गया और ये दूसरा प्लेट निकलेगा, यहाँ पर ये डिश लग जाएगा। ये सबसे बड़ा वाला डिश है, इससे बड़ा वाला भी डिश आप इसके अंदर लगा सकते हैं, मगर उसके लिए क्या होगा, आपको ये ऊपर वाला जो येलो वाला कवर है वो निकालना रहेगा। अगर आप येलो वाला कवर निकाल देंगे तो आपकी सेफ्टी का, सेफ्टी के साथ आप खिलवाड़ करेंगे और लगाने वाले इसका लगाते भी है, जिनको ज्यादा काम होता है वो 16 इंची तक की भी इसमें डिश लग जाती है। डिश को लगाना बहुत ही आसान है, अभी ये घूम रहा है, आसानी से लग जा रहा है। मैं आपको लॉक करके बता देता हूँ, ये भी घूम रहा है, देखिए ये भी घूम रहा है। यहां से मैं पहले लॉक कर देता हूं, ये भी लॉक हो गया और ये मैं पूरा टाइट कर पा रहा हूं यहां पर, पूरा जैसे हम ग्राइंडर में टाइट करते हैं वैसे ही अभी आपको इसको टाइट करना है। पूरा टाइट हो गया ये, और भी आपको थोड़ा और कसना रहेगा तो कस सकते हैं आप, सेफ्टी के लिए। कंप्लीट टाइट हो चुका है, और इसको एक बार मुझे चालू करके भी आपको बताना है। पावर लगा देता हूं मैं यहां पर, इधर लगा, बारह केजी का इसका वेट है। वेट के मामले में आपको थोड़ा हैवी लगेगा, मगर आप अगर कंक्रीट या ऐसी कोई चीज काटते होंगे तो उसमें आपको ये थोड़ा भी दिक्कत नहीं पेश आएगा आपको। और यहाँ पर इसका एक और नोजल दिया हुआ है जिसके अंदर आप वैक्यूम कर सकते हैं, ये वाला वैक्यूम यहाँ पर लग जाएगा, देख सकते हैं आप, अटैचमेंट है ये यहाँ पर लग गया, जिससे आप वैक्यूम भी कर सकते हैं। और ये पूरी डिश भी पूरी रोटेशन होती है, देख सकते हैं आप, ये पूरी ऐसे रोटेशन हो जाएगी। मैं आपको और भी इसको डिटेल में बता देता हूँ, अगर आपको सामने से किसी चीज को काटना है यहां से, जिसको आपको सरफेस ऐसे रखना है, ऊपर कवर आ जाएगा। अगर आपको सामने का सरफेस काटना है तो पूरे कवर को आप ऐसे घुमा सकते हो, तो आप पूरा सामने का सरफेस कवर कर सकते हो और ये यहां तक जाएगा, तो पूरा सामने का आपका 8 इंच का पूरा घीसी पड़ जाएगा। और अगर आपको नीचे करना है तो ये आपका यहाँ पर पूरा नीचे हो जाएगा। इसका कवर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एक बार आपको चालू करके बता दूं। चालू करने के लिए यहाँ पे सेफ्टी स्विच दिया हुआ है, ये इसको पुल प्रेस करेंगे तभी आपका पीछे का ऑपरेट होगा। आगे
कितना? 12 केजी का पूरा मशीन है और ये इसका आगे का मैं हिस्सा आपको बता दूं, यहाँ पर पूरा ये आगे का हिस्सा इसका रोटेशन है डिस्क का, बहुत ही हैवी क्वालिटी। यहाँ पर इसके व्हील है, अगर आप इसको एक सीधा अगर कंक्रीट काटे, खास करके जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो स्लैब के अंदर होल गिराते हैं बड़े बड़े, जो बड़ा बड़ा स्लैब तोड़ना होता है उसके अंदर खास यूज होता है, तो वैसे ये सरफेस पे ही चलता है। उसके लिए खास इसमें व्हील दिए हुए हैं कि आप सीधा सीधा उसको ले आके आपके हाथ पे कम लोड पड़ेगा। वैसे पकड़ने के लिए इसमें चारों तरफ बड़ा से हैंडल दिया हुआ है, उसको उठा सकते हैं आप और यहाँ से आप ग्रिप कर सकते हैं लटकनियां भी। और ये आपका जो पानी का फुहार होगा वो आपकी तरफ नहीं आएगा, मशीन के ऊपर नहीं आएगा, उसके लिए यहाँ पे रबर की और एक सेफ्टी दी हुई है कि जिससे आपका आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे, आजू बाजू का पूरा ये भी खराब नहीं होगा सरफेस। ये इसका एंगल का डिस है, ये भी यहीं पर लग जाएगा, इसको लगाना भी बहुत आसान है। पावर ऑफ कर दीजिए, पहले मैं पावर को बंद कर देता हूं। ये यहां पर ऐसे लग जाएगा, इसके अंदर फिटिंग हो जाएगा और ये इसके ऊपर यहाँ पर फिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कंप्लीट इसको ऑपरेट नहीं, इसका आपको गड्ढा भरना है वो आप यहाँ से, वो यहाँ से आप पूरा कंप्लीट मेजर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इंको का पावर कटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा 1 लाख का जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसमें हमारी मदद करें। जो हमारे यूनिक व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।